भाई साहब, क्या यूरोप, क्या स्विट्जरलैंड। ये देखो, सब फेल है इसके आगे भाई, सब फेल है। चलो फटाफट पहले नाश्ता किया जाए, फिर दिखाएंगे आपको भदरवा। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग हमारी हो रही है आज भदरवा से। जी हाँ, मैं पहुंचा था भदरवा। अगर आपने पिछला व्लॉग नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखना। और मैं ठहरा हुआ हूँ यहाँ का जो TRC है, JK टूरिज़्म का, और बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है, पीछे आप मेरे देख सकते हैं, उसी वाली हट में रुका हुआ हूँ। भदरवा जो सिटी है वो यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर है। जस्ट थोड़ी देर में हम भदरवा को एक्सप्लोर करने जाएंगे। ब्रेकफास्ट मैं कर चुका हूँ, वो आपने देख लिया है। और यहाँ का लॉन वगैरह भी देखिए कितना खूबसूरत बनाया हुआ है। ये तो इस सीरीज़ का मैंने नाम दिया है कश्मीर सफ़रनामा। वैसे मैंने 2017 में भी एक कश्मीर सफ़रनामा किया था, वो पहला सफ़रनामा था कश्मीर का, लेकिन ये है कश्मीर सफ़रनामा 2.0। जी हाँ, इसमें कश्मीर तो मैं एक्सप्लोर करूंगा ही, लेकिन कहते हैं ना, एक कहावत है कि जाना था जापान पहुंच गए चीन। कल वही वाली कहावत हुई। दूसरा जो रूट था वो बंद था, तो मैंने ये वाला रूट पकड़ा है। लेकिन जो जम्मू का एरिया है भाई साहब, उसने तो मुझे हिला के रख दिया। इतनी खूबसूरती है यहाँ पर, और बहुत कम लोगों ने ट्रैवल किया है। एक्चुअली बाहर के लोगों ने कम ट्रैवल किया है। जो जम्मू के आसपास के लोग हैं उन्होंने तो जम्मू को काफ़ी एक्सप्लोर किया है, लेकिन बाहर के किसी व्लॉगर ने ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया है। तो मैं सोच रहा हूँ कि जम्मू को पहले एक्सप्लोर किया जाए और फिर उसके बाद पूरा कश्मीर दिखाया जाए। बाहर से जो TRC है वो तो मैंने आपको दिखा दिया। एक बार मैं जो मेरा रूम है वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए कितना स्पेशियस रूम है, और चारों तरफ खिड़कियाँ वगैरह लगी हुई हैं। और ये जो रूम है दोस्तों, ये मुझे पड़ा है 1500 रुपये का। वैसे सीज़न टू सीज़न वेरी करता है, क्योंकि अभी तो ऑफ सीज़न है तो मुझे 1500 का मिल गया। बाकी बता रहे थे कि ये 2500 के आसपास रहता है पीक सीज़न के अंदर। यहाँ पर एक बेड लगा हुआ है, उधर एक टेबल है, इधर बाथरूम है इस साइड। तो नीट एंड क्लीन है, बढ़िया है TRC का ये जो रेस्ट हाउस है। तो अब निकलते हैं भदरवा को एक्सप्लोर करने के लिए। सबसे पहले मैं जाऊंगा, यहाँ पर एक फिश पॉन्ड है, थोड़ा सा दूर है यहाँ से TRC से, और उसके बाद जाएंगे जय वैली, जो कि बहुत ही अल्टीमेट वैली है। शायद ही आपने पहले कभी नाम सुना हो, देखा हो। पूरा मीडो है, मज़ा आ जाएगा आपको देखकर। जय भी बोलते हैं, जाई भी बोलते हैं, मतलब दोनों ही नाम से पुकारते हैं उस वैली को। फिर उसके बाद मैं जाऊँगा घूमते घुमाते टाउन। जी हाँ, भदरवा जो टाउन है उसको देखेंगे, वहाँ से जो नज़ारे देखने को मिलेंगे वो देखेंगे, और कुछ खाना पीना वगैरह अपना चलेगा। बाकी थोड़ा लेट हो गया हूँ, 10:30 हो चुके हैं, फटाफट निकला जाए। कई लोगों के कमेंट आते हैं कि तीनों बक्से तू लगा के चलता है हमेशा। तो 2 रीज़न है इसके। एक तो सामान आ जाता है इसके अंदर, मैं कुछ खाने पीने का रख लेता हूँ जब भी कहीं पर भी छोटा मोटा भी एक्सप्लोर करता हूँ। और दूसरा रीज़न ये है कि अगर बाइक गिरती है तो उतनी ज़्यादा नहीं गिरती है, और बाइक काफ़ी हद तक बच जाती है पैनियर से। तो चलो निकलते हैं अब फिश पॉन्ड के लिए। सब हो गया सेट, मामला फिट। बाइक ज़्यादा गंदी हो गई। काफ़ी अच्छा बना हुआ है ये जो TRC है, यहाँ का BDA भदरवा है, बेसिकली टूरिज़्म सेंटर के अंदर ही बना हुआ है। तो आज की जो जर्नी है वो स्टार्ट हुई है 12:15 बजे। एक्चुअली फ़ोन की जो बैटरी है वो डाउन थी, जिससे मैं ड्रोन उड़ाता हूँ, तो उसको चार्ज करने में थोड़ा सा टाइम लग गया। पुलिस चेक पोस्ट भदरवा। तो ये आ चुके हैं हम भदरवा टाउन में, और ये कोई हॉस्पिटल है भदरवा का, JDH करके कुछ लिखा हुआ था। ये फिश पॉन्ड का है, फिश पॉन्ड उल्टा गलत आ गया मैं। ये कहाँ जाता है रास्ता? हाँ जाता है, अच्छा नीचे, ओके। वैसे तो भदरवा में देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, एक फोर्ट भी है, लेकिन अपने पास टाइम कम है। कम से कम 3-4 दिन चाहिए भदरवा को एक्सप्लोर करने के लिए। तो जो मेन चीज़ें हैं वो तो देख ही लूँगा और आपको दिखा भी दूँगा। यहाँ तो घोड़े ऐसे ही घूम रहे हैं जैसे मेचुका में घूमते थे ना लोग। आश्चर्य भरी निगाहों से देख रहे हैं कि भाई ये कौन सी मोटरसाइकिल आ गई है यहाँ पर। भाई ये फिश पार्क कहाँ पर है? हाँ? फिश पार्क, फिश पॉन्ड वो आगे, आगे से लेफ्ट। कहाँ से? आगे से। अच्छा यार, ये तो गोल गोल घूम रहा हूँ मैं, कभी इधर कभी उधर। एक्चुअली रास्ता नहीं पता ना। मुझे लगता है कि गूगल मैप लगा लेना चाहिए। ये पहुँच गए गाथा लेक। फाइनली पहुँच गए जी लेक व्यू, फिश पॉन्ड बोलो या लेक व्यू। रिज़ॉर्ट बोलो, जी हाँ, वाजवान के नाम से है, वाजवान एट लेक व्यू रिज़ॉर्ट एंड रेस्टोरेंट। और ये खुला हुआ है, यहाँ से टिकट ली है 20 रुपये की, बाइक मैंने पार्किंग में खड़ी कर दी है वहाँ पर। तो चलो अंदर चलते हैं। घोड़े ने भी अच्छा स्वागत किया है, बोल रहा है आओ सरकार दिखाएं तुम्हें, देखो अभी भी हिना रहा है। इधर कुछ शॉप्स भी हैं, कुछ खाने पीने का सामान भी मिल जाएगा, ये देखिए यहाँ पर। तो एक ठीक ठाक सा पिकनिक स्पॉट है, अभी तो कोई भी टूरिस्ट नज़र नहीं आ रहा है इधर। टेस्ट ऑफ जम्मू, शेक्स एंड आइसक्रीम, चलो एक शेक पीते हैं। ये देखो जी, अगर भूख लग रही हो तो आप यहाँ पर आकर मोमोज़ और समोसे पकोड़े सब कुछ मिल जाएगा आपको यहाँ पर। नाइस। ये अच्छी बात है, यहाँ पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रही है। नेटवर्क अच्छा है यहाँ पे ना, चल रहा है पूरे भदरवा में। अच्छा कल बंद था, अच्छा सर्वर डाउन था कल, चलो हो गया आ गया ना, देख लो। मैं अभी जय वैली, हाँ कैसी, अच्छी है, मस्त। तो यहाँ पर मेरा 1 घंटा लग गया, एक्चुअली मुझे ज़्यादा टाइम लगा, मैंने शेक भी पिया और फिर ड्रोन वगैरह भी उड़ाया, कुछ शॉट्स भी लिए, तो टाइम लग गया। बाकी ये जगह बहुत ब्यूटीफुल है यार, आना ज़रूर, छोटी सी जगह है, आप मुश्किल से आधे घंटे में एक्सप्लोर कर लोगे, और फैमिली के साथ आते हो तो और भी अच्छा है। तो जय वैली यहाँ से 30 किलोमीटर दिखा रहा है और लगेगा करीबन 1 घंटा 1 मिनट। ये रास्ता जय वैली जाता है, जय वैली ये नहीं जाएगा, ये रास्ता है मेन, गलत ले लिया था अपन ने। रोड तो बढ़िया बना हुआ है यार, और साथ में देखो नदी कितनी सुंदर लग रही है देखने में, होए 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 होए, देखकर मज़ा आ गया वैली को। 2 रास्ते हैं जय वैली जाने के, एक ये वाला है और एक आगे से जाता है जो मार्केट होते हुए जाता है। वापसी में वो वाला रास्ता कवर करते हुए आएंगे, एक छोटा सा सर्किट बन जाएगा तो दोनों रास्ते आपको पता चल जाएंगे। ओए होए होए होए, क्या जगह है यार, क्या प्लेस है, ऑसम। कल वाले ब्लॉग में मैंने बोला था कि मुझे यूरोप जैसी फील आ रही है, और सेम वही। ओह भाई साहब, गाड़ी देखो बिल्कुल ही कचूमर बन गई है, ख़त्म बिल्कुल। लोकल लोग बता रहे थे कि जय वैली में काफ़ी ठंड होती है और वहाँ पर नेटवर्क वगैरह है नहीं, सिर्फ कैंपिंग वगैरह अवेलेबल है। पहले मैं सोच रहा था कि कैंपिंग की जाए, लेकिन फिर यार अपने को थोड़ी सी लाइट वगैरह की ज़रूरत होती है, वहाँ पर लाइट भी नहीं है, आपका फ़ोन भी नहीं चलता है, और मुझे एक व्लॉग अपलोड करना था, और नेटवर्क भदरवा में बहुत बढ़िया है। अरे बाबूलाल रोड क्रॉस कर रहे हो मस्ती में है, ओह भाग भी रहा है, सही। अरे क्या हो गया तुझे टाइगर, तू भी हो कर रहा है। JK टूरिज़म वेलकम्स यू टू चिंता वैली। चिंता घाटी आ गए क्या, कहाँ है चिंता घाटी, यही है क्या? ता 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 चिता चिता, ता 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 चिता चिता, ऐसा एक गाना था ना। चिंता घाटी को देखकर ये गाना याद आ गया, भागना नहीं है। अभी एक लोकल बंदे से बात हुई थी मेरी, वो बता रहा था कि पहले काफ़ी मिलिटेंसी हुआ करती थी यहाँ पर, लेकिन अब तो बिल्कुल नॉर्मल है। ब्यूटीफुल, ओह लवली, क्या नज़ारा है यार। सी ये देखो यार, कौन सी जन्नत में आ गया हूँ मैं। आवाज़ सुन रहे हो? ये गन शॉट्स हैं, कहीं मिलिट्री की ट्रेनिंग हो रही है तभी इतने गन शॉट सुनाई दे रहे थे। तो बाकी नज़ारा कुछ ऐसा है यार, बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार, बहुत ही ब्यूटीफुल। और आज मौसम खुला है। बाकी मैंने एक टाइमलेस वहाँ पर लगा दी है, वो थोड़ी देर में आपको देखने को मिलेगी जैसे ही मैं यहाँ से निकलूँगा। 5-10 मिनट यहाँ पर बिताते हैं क्योंकि नज़ारा अच्छा है। सामने का देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये है चिंता वैली, पीछे लिखा हुआ था और वो चिंता गांव है शायद। यहाँ देखो भाई साहब कितना अंधेरा हो गया, बादल ही बादल आ गए। ओ शानदार, यहाँ से 4 किलोमीटर रह गई है जय वैली और पूरा का पूरा रास्ता जंगलों के बीच में से है। अगर आप नेचर लवर हो, आपको पसंद आते हैं पेड़ पौधे हरियाली, तो आपको बोरियत बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। इजीली आप पहुँच जाओगे एंजॉय करते हुए। भाई साहब जंगल में से जो आवाज़ आती है ना, कौन से होते हैं वो, झिंगूर होते हैं क्या होते हैं, सिर्फ उनकी आवाज़ आ रही है। मैं सोच रहा हूँ यार मेरी बाइक में से आवाज़ आ रही है चूँ 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 चूँ, फिर मैंने रोक के सुना तो ये वही है, वो आ गया। चलो भाई भागो फटाफट, मुझे लग रहा है बारिश होगी तगड़े वाली। वैसे रेनकोट में लाया हुआ हूँ। जेके टूरिज़म वेलकम्स यू टू जय घाटी। 3 किलोमीटर है लेकिन पहले ही बोर्ड लगा हुआ है। वैसे मैं जहाँ पर भी जाता हूँ ऑफ सीज़न में ही जाता हूँ। देखो मैं मेचू का गया, वहाँ पे ऑफ सीज़न में गया, बारिश हो रही थी। फिर अब यहाँ पे आ गया, तब बारिश हो रही है। जहाँ जाता हूँ वहाँ पर बारिश होती है। ऑल इंडिया राइड मैंने करी, वहाँ पर मतलब 2.5 महीने तक मैं बारिश में भीगता रहा, चलाता रहा ऐसे ही। तो बारिश हर जगह मिलती है मुझे। ज़्यादातर ऐसा लग रहा है कि मैंने हरे रंग का चश्मा पहन लिया है और चारों तरफ हरा ही हरा नज़र आ रहा है। सी अनबिलीवेबल है यार। आगमन हो चुका है डीजी द वांडरर का जय घाटी में। वेट वेट वेट, इस अंधेरे के बाद जो आपको नज़र आने वाला है वो भाई साहब देखो, अब देख रहे हो। ओए होए होए होए, ये तो कमाल है यार, कमाल है। ऊपर देखो गुज्जर का कोई हाउस है। JK टूरिज़म वेलकम्स यू टू जय वैली, जय घाटी। यही है जी जय घाटी। बीच में से नदी बह रही है, एक्सट्रीम बह रहा है और काफ़ी सारे कैंप वगैरह भी लगे हुए हैं। तो उधर चलते हैं, उधर इग्लू भी बने हुए हैं काफ़ी सारे, शायद वहाँ पर रहने का भी है। ये आ गई यहाँ की पार्किंग आई थिंक। ओह शाबाश, ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं जय वैली और यहां पर एक रेस्टोरेंट है जेके टूरिज़म का। यहां पर ऑर्डर कर दिया मैंने मैगी बन रही है और यहां पर इनके लॉन में कुछ टेंट भी लगे हुए हैं। और मैंने रेट पूछा तो ये बता रहे हैं कि 1000-1500 रुपये में आपको रहने को मिल जाएगा इन टेंट में। बाकी उधर कुछ कॉटेजेस वगैरह भी है, वो भी बता रहे हैं कि 1500 से 3000 रुपये में कॉटेज मिल जाती है। और यहाँ पर लाइट नहीं है, नेटवर्क नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप कहीं पर भी कॉल नहीं कर सकते, मतलब कुछ भी अपलोड नहीं कर सकते हैं। तो जनरेटर से काम चलाना पड़ता है यहाँ पर। लेकिन यार जनरेटर भी बंदा कितनी देर चलाएगा। बाकी वैली बहुत खूबसूरत है। जस्ट थोड़ी देर में मैं सिनेमैटिक शॉट्स वगैरह लेने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले खा लेते हैं मैगी। ठीक है, ये लो जी, ये आ गई मैगी। और मैगी के साथ ये नज़ारा कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। भाई साहब अल्टीमेट लग रहा है ना। और ऐसी जगह मैगी खाने का मज़ा ही अलग है, पहाड़ों में। इसे बोलते हैं पहाड़ों वाली मैगी। लो जी बारिश शुरू हो चुकी है। ऊपर वाले ने कमाल कर ही दिया है। मैं सोचा था बारिश ना हो, लेकिन भाई साहब अब रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। एक बार शुरू हो गई है तो। बाकी अपना टाइगर उधर देखो पीछे खड़ा हुआ है। हल्की हल्की हो रही है अभी, लेकिन बीच बीच में तेज़ भी हो जा रही है। बाकी अगर बारिश नहीं रुकती है तो रेनकोट वगैरह पहन के मैं निकल लूँगा। सारे टूरिस्ट भाग चुके हैं क्योंकि वो कार में आए थे, वो निकल गए। मैं एक ड्रोन शॉट कोशिश करूँगा यहाँ का लेने की। आधे घंटे मैं और वेट करूँगा बारिश के रुकने का। अगर नहीं रुकती है बारिश तो भाई निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ से भदरवाह 30-35 किलोमीटर है, तो उसमें भी 1-1.5 घंटा लग जाएगा। और अगर ज़्यादा बारिश हो जाती है तो रोड स्लिपरी हो सकते हैं। तो मैगी वैगी खा चुके हैं, इधर के सिनेमैटिक्स कुछ शॉट्स लिए मैंने, वो आप देखिए, आपको मज़ा आएगा देखकर। मतलब नेचरफुल एरिया आपको लगेगा और सुकून मिलेगा, सुकून। सो गाइस, पौना घंटा हो चुका है और मैं वेट कर रहा हूँ कि बारिश रुक जाए, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन जो लैंडस्केप में निखार आया है भाई साहब, ओहो, क्या यूरोप, क्या स्विट्ज़रलैंड। ये देखो, सब फेल है इसके आगे भाई, सब फेल है। सी द ब्यूटी ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, जय वैली भदरवा, दिस इज़ अल्टीमेट मैन। अमेजिंग लैंडस्केप है, अमेजिंग नेचर है। सीरियसली मैं बताऊं तो ये आउट ऑफ द वर्ल्ड सीन लग रहा है मुझे तो, मतलब मैं कहाँ ही आ गया हूँ, बिल्कुल जन्नत वाली फील आ रही है भाई साहब। दिल छू लिया इसने, मानो कि ऊपर वाले ने जितने भी कलर्स हैं ना, सारे के सारे इस टाइम यहाँ पर बिखेर दिए हैं। सी वो रहा अपना टाइगर, और ऐसे नज़ारे। चलो फटाफट अब निकलते हैं क्योंकि बारिश थोड़ी सी बंद हुई है, तो अब मैं फटाफट रेनकोट पहनता हूँ और निकलता हूँ। यार रास्ता ना ऑफलाइन मैप मैंने डाउनलोड किया था, पता नहीं कौन सा दिखा रहा है, मुझे जाना था मार्केट वाले रास्ते से। देखते हैं अब जो लेके जाएगा, वरना किसी से पूछना पड़ेगा। कीचड़ कीचड़ हो गेला बॉस। तो बारिश में ये सीन तो होता है। यहाँ पे देखो कैसे फंस रही है बाइक। चढ़ जा बेटा, चढ़ गया। तो जय वैली को कर देते हैं बाय बाय। बहुत प्यारा नज़ारा रहा, मज़ा आया यहाँ पर। करीबन 3 घंटे से ऊपर मैं यहाँ पर रहा, अल्टीमेट था सब कुछ। कभी बारिश है, कभी धूप है, कभी नीला आकाश है, भाई क्या हो रहा है मतलब मज़ा आ रहा है यार देखने में तो। भाई साहब लाजवाब सीन्स हैं, लाजवाब। सी इधर आ गया मैं, इधर बादल हैं, उधर धूप थी, बीच में फिर धूप है। और ये देखो घोड़ा भागेगा, ब्राउन ब्यूटी घोड़े चल रहे हैं यहाँ पर। और अब बढ़ रहा हूँ मैं वापसी भदरवा की तरफ, क्योंकि टाइम हो चुका है 5:11। जवान जाने मन हसीन दिल रुपा, मिले तो दिल जवान सार हो गया। यहाँ पर कहीं पर ड्रोन उड़ा सकते हैं, देखते हैं कहीं पॉइंट होगा तो वहाँ से उड़ाते हैं। वाह, यहाँ पर टूरिस्ट डांस कर रहे हैं, डांस चल रहा भैया, रील बन रही है रील इससे ब्यूटीफुल सिटी या फिर टाउन मैं बोलूँगा अभी तक मैंने नहीं देखा। सी यहाँ पर बाइक खड़ी करते हैं और अपना पंछी उड़ाते हैं। अल्टीमेट नज़ारा है, अल्टीमेट। पूरा का पूरा टाउन दिख रहा है यहाँ से। और शाम ढल रही है तो आधा घंटा यहाँ पे बिताते हैं, फिर चलते हैं अपने TRC। सो यहाँ से मुझे लेना है राइट और ये है मेन मार्केट भदरवा की। भाई साहब भीड़ भाड़ वाला इलाका ये, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल टाउन है यार। ऊपर से देखने में तो क्या गजब का लग रहा था। सही ड्रोन शॉट आया ना। मिठाई की दुकान, अरे वाह। कुछ खाने का मन कर रहा है, कुछ डिफरेंट सा मिल जाए या फिर कुछ लोकल डिश मिल जाए, लेकिन कोई ठीक सा रेस्टोरेंट नज़र नहीं आ रहा। चलो अपने टीआरसी वाले को बोलेंगे कुछ लोकल डिश खिलाएं। यहाँ के राजमा चावल बहुत फेमस है। पहुँच गए ठिकाने पे भाई, आज का दिन ख़त्म। ये लोग बोल रहे हैं हम आपका चैनल तब सब्सक्राइब करोगे जब ब्लॉग में लोगे। यार ये सब मत करो, देखो कितना अच्छा प्लेस है, कितना सुंदर ब्यूटीफुल इंडिया है अपना। ओह माय गॉड, ये जम्मू मेरी जान।